बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये बुक मैंने यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सर्च किया इसके लेक्चर्स वगैरह, तो मुझे नहीं मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आप लोगों को। तो ये बुक हमारे पास एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये CSS और बाकी भी जितने भी हमारे इंग्लिश रिलेटेड जो होता है हमारा इंग्लिश जो है रिटर्न का एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए जो है हमारी बुक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, इसके अलावा जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक है ये CSS PMS के लिए। इसके अलावा जितने भी और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, या जितने भी जॉब्स के लिए हमारे पास जो सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं और जो हम करेक्ट यूज़ नहीं कर रहे होते इंग्लिश का, उस सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आप लोग अगर इस पूरी बुक को एक बार जस्ट रीड कर लोगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो सैयद सादत अली शाह की ये बुक है हमारे पास स्पेशली CSS स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास। और ये जो है इसका कॉन्टेंट मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ किस टाइप का है हमारे पास। ये हमारे पास इसका कंटेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन जो ऑथर से रिलेटेड, और फिर हमारे पास सिलेबस आ जाएगा CSS से रिलेटेड, जो भी सिलेबस है वो हमें इसमें मेंशन है। उसके बाद देखें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास ग्रामर का है। ग्रामर के चैप्टर में सबसे पहले आपको वो बेसिक्स बताएगा सेंटेंस की, सेंटेंस क्या होता है, फिर आपको वो इंपॉर्टेंस बताएगा कि स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम स्पेल गलत कर देते हैं और किस तरह से हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें तो हम इजीली हमारे स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगे। वैसे तो बैचलर लेवल मास्टर लेवल पर आके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग की, तो ऐसी टेक्निक्स इसमें बताई गई हैं कि जिससे हमारे स्पेलिंग्स इंप्रूव हो जाते हैं। टेंसेस को हमें बताया गया है, टेंसेस की बेसिक्स बताई हुई हैं, आर्टिकल का यूजेज बताया हुआ है, जो हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूजेज बताया है, प्रीपोजिशन बताई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रेसी के पेपर के लिए। तो ये चैप्टर बहुत डीपली इसमें बताया गया है, आप लोग यहीं से देख सकते हैं 43 पेज से लेकर 109 पेज तक ये जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है। फिर कंजेंशन आती है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पंचुएशन है, पंचुएशन हमारे पास स्पेशल एक पूरा सेक्शन है, पूरा एक क्वेश्चन आता है पंचुएशन पे पैसिव वॉइस है, और फिर ये भी पूरा एक क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो इस ग्रामर वाले चैप्टर में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं हमारे पास। सेकेंडली हमारे पास आती है वोकेबलरी, वोकेबलरी के जो के बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की है, फिर फ्रेजेस की वोकेबलरी है। देखें वर्ड्स डिफरेंट हैं, वर्ड्स के बाद हमारे पास जो बनती है फ्रेज बनती है, फ्रेज के बाद हमारे पास क्या बनता है सेंटेंस बनता है। ठीक है, वर्ड फ्रेज और उसके बाद क्लॉज और फिर क्लॉज के बाद सेंटेंस, इस तरह से हमारे पास इसकी बेसिक्स होती हैं। तो वर्ड्स में फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, चॉइस ऑफ राइट वर्ड आ जाता है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसमें बहुत जो है हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं और उसकी जगह इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है कि इन सारे वर्ड्स की जगह आप ये एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा ऐसे में और प्रेसी में। फिर सम कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं जिनको हम गलत स्पेल कर जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास साउंड्स वगैरह बताई हुई हैं। ठीक है, वोकेबलरी का जो दूसरा पार्ट है उसमें फ्रेजेस के बारे में बताया कि एक्सप्रेसिव फ्रेजेस कैसी होती हैं जो आपको ऐसे में बहुत हेल्प करेंगी, प्रोवर्ब्स हैं, मैक्सिम्स हैं, एडियम्स हैं, और फिर इन्हीं एडियम्स को इन्होंने फिर डिवाइड किया ए से एफ तक, फिर जी से एस तक, और फिर हमारे पास टी के अलहदा यू से फिर जेड तक। ठीक है, ये सारे हमारे पास फ्रेजेस हैं। तो किस तरह से फ्रेशियस फ्रेजेस को यूज़ करके हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, फिर क्लासिकल नेम्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास, इसमें क्या बताया गया है हमारे पास कि वर्ड्स लाइएबल टू बी कन्फ्यूज, इन वर्ड्स में हमें कन्फ्यूजन होती है, जैसे इफेक्ट और इफेक्ट होता है, हम इफेक्ट की जगह कभी इफेक्ट यूज़ कर देते हैं, ए वाला इफेक्ट है उसकी ई जगह ई वाला इफेक्ट यूज़ कर देंगे। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनको भी इन्होंने लिस्ट में डिवाइड कर दिया, एक लिस्ट बनाई है ए से डी तक, दूसरी बनाई है ई से एल तक, तीसरी बनाई है एम से जेड तक, ये वाली ये पूरा चैप्टर इन्होंने उन वर्ड्स के ऊपर बना दिया। ठीक है, ये वर्ड्स जो है हमारे पास हमारी कन्फ्यूजन क्लियर कर, मतलब ये बहुत बेसिक लेवल के, मतलब होगा फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा फिर इसके बाद। तो इस तरह ये वाली बुक, जस्ट ये सिंगल बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये CSS की प्रिपरेशन के लिए। फिर हमारे पास आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्लंडर्स करते हैं वो कॉमन ब्लंडर्स, उनको अवॉइड करने का क्या तरीका है, फिर उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं नाउन और नाउन फ्रेजेस को यूज़ करते हुए, वो हमारी कौन कौन सी होती हैं वो हम जानेंगे। ठीक है,
और उसके अलावा जब एडजेक्टिव्स पे आएंगे तो एडजेक्टिव को हम स्टार्ट से देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स पे आएंगे, उसके बाद हम किस तरह हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं, वो हम चीज़ें देखेंगे इसमें। फिर हम आर्टिकल्स पे आएंगे, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ देखेंगे, किन को इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं और कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें। फिर प्रोनाउन पे आएंगे, प्रोनाउन के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसी तरह नाउन के कुछ केसेस होते हैं वो भी देखेंगे, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, कंजंक्शन, मतलब ये जो चीज़ें आपको बेसिक पता है ना, उस बेसिक को हमने टच करेंगे, बेसिक से थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है, बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तो फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को हमने दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इतने बेसिक डेफिनेशंस तो आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, नाउन क्या होता है, सिंपल है, किसी भी चीज़ का नाम, ये वो, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, दोबारा करके हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमने अच्छी चीज़ों पर हमने बहुत सोच समझ के टाइम को हमने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमने जो चीज़ें हमें पहले से पता है हम उनको और आगे लेके चल रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी जो रिटर्न है वो अच्छा हो, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, टाइम के एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस हमने यूज़ करने, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इस तरह की डिफरेंट प्रीपोजिशंस होती हैं उनको हम देखेंगे, पहले देखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, फिर उनका यूजेज देखेंगे, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, फिर मिसेलेनियस कॉमन मिस्टेक्स, ये हमारे चैप्टर 5 का हो गया। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं अब हम। चैप्टर नंबर 6 में क्या होगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें एनालॉगीज टेस्ट होगा, इसके अलावा ये टिप्स बताएंगे कौन सी के हम किस तरह से एनालॉगीज को सॉल्व करेंगे। फिर हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे आ जाएंगे, इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले इंट्रो देखेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, इसमें मैं आपको पता है क्या करूँगी, नोट्स बना के ना एक ही पेज पे, तो इस तरह से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और इस पूरी बुक के थ्रू आप मैं चीज़ों को समराइज़ करके और चैप्टर वाइज हम चलेंगे, ताकि जो हमारे प्रेसी के पेपर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों को हम सरसरी सा देखें, ठीक है। तो डूज और डोंट्स जो हमने नहीं करना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे वो भी देखेंगे, इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाए, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि सबसे पहले देखेंगे प्रेसी राइटिंग का हमें पता है हमें क्या होती है, ठीक है। अगर क्यों कुछ लोगों को नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले प्रेसी राइटिंग के बारे में बताऊँ, फिर एसेंशियल्स देखेंगे, एसेंशियल्स क्या होते हैं हमारे पास गुड प्रेसी के, मेथड क्या होता है प्रेसी लिखने का, इसमें बहुत बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो किसी और बुक में नहीं है, ठीक है। तो वो वाले हम मेथड देखेंगे एक अच्छी प्रेसी लिखने का, फिर हम क्या करेंगे उन्हीं वो जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे ना उनको समराइज़ करके हम देखेंगे कि एडवांस और जो है हमारे पास प्रेसी हम किस टाइप से कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन वाला सेक्शन आ जाता है जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है प्रेसी वाले पेपर का, तो ट्रांसलेशन वाले में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसलेशन क्या है, फिर हम देखेंगे वो सारे वर्ड्स जो हम जैसे वर्ड टू वर्ड उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ना, वो हमने इस तरह से नहीं करनी होती, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के कुछ असूल होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, तो इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस, किस तरह से हमने ट्रांसलेट करना है, किस तरह से हमने अपनी थिंकिंग को भी उसी लैंग्वेज में करना है, फिर टेक्निक्स आ जाएंगे ट्रांसलेशन की, फिर हमारे पास रूल्स आ जाएंगे ट्रांसलेशन के, किन किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारी ट्रांसलेशन अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम कैसे हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश में हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इसके भी डिफरेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी जो कि मैं दो तीन तो आप लोगों को खुद करवाऊंगी और बाकी आप लोगों ने करनी होंगी और फिर आप लोग भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब हम इन सारी चीज़ों से गुजर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सीएसएस के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीएसएस के सॉल्व पेपर जो हैं हमारे पास इसी बुक के एंड पे दिए भी हैं, लेकिन आप सब लोग अपने अपने करोगे और फिर आप लोग इससे मैच करोगे, ठीक है, जो हमारा जो लेक्चर होगा उससे। तो ये 2016 का दिया है, 17, 18, 19, 20 और 21, तो ये हमारे पास जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स के। तो ये था हमारे पास इस बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसे इसके बाद मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू करवाया, क्योंकि जिन लोगों को ने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ये बुक जिन लोगों को नहीं पता कि कैसी है, इसमें क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या है, तो ये आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये इंट्रोडक्शन आ गया, इसी से रिलेटेड बुक से रिलेटेड ये आपके पास सीएसएस का सिलेबस है। देखें, सबसे पहले हमारे पास प्रेसी होती है 20 मार्क्स की, फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, फिर ग्रामर और वोकेबलरी आ जाती है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इस बुक में गिवन है, ठीक है। ये करेक्ट यूजेस ऑफ टेंस हमने आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर सेंटेंस करेक्शन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लोगे तो आपकी इंग्लिश रिटन का एक्सप्रेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा।
फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी हमारा इसी सिलेबस का हिस्सा है। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें जो पूरी लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा एक और बुक है जो मैं आपको बताती हूँ, बीए इंग्लिश जो है हमारे पास आफ्ताब अहमद की, वो बहुत अच्छी है। उसमें से भी आप लोग फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं और वो याद करके, बल्कि फ्रेजल वर्ब तो उससे ही से आपको करने चाहिए और इससे भी करने चाहिए, तो ये आपका आसान हो जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन आ जाएगी।